एटा के ग्रामपुर की पूर्व उर्फ सह आलमपुर थाना मालवा के गुमशुदा का मामला आया सामने। गुमशुदा अनूप पुत्र चोखेलाल ग्रामपुर की पूर्व उर्फ शाह आलम थाना मालवा 25/5/2018 को रात्रि को गांव में सूरजपाल के मकान में लेटा था, जो अज्ञात व्यक्ति वो गायब हो गया है। पीड़ित रणपान सिंह अपने पूरे रिश्तेदारों को फोन करके जानकारी ली है, कोई भी पता नहीं चला है। जब FIR लिखने को बोला है तो उनके भाई ने ही बेटे अवधेश सिटू ऋतु ने तनपाल सिंह ने जमकर गाली गलौज की। FIR करने का मान करते हुए उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। थाना मलवान में भी अभी तक FIR दर्ज नहीं की है। पीड़ित के रणपान सिंह कानून के दरवाजा खटखटाते हुए फिरते हैं, लेकिन कहीं भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप देख सकते हैं, एटा से प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए मनोहर लाल की रिपोर्ट। इन्होंने गायब किया है, ये मैं ढूंढ रहा था तो मेरे ऊपर हमला किया। इन्होंने मुझे शक है पूरा पूरा कि इन लोगों ने मेरे भाई को गायब किया है। उसमें से जो मेरा बड़ा भाई गायब हुआ है, उससे छोटे इंद्रवान और उनके लड़के अवधेश सीटू और दीपू और रीटू, इन चार लोगों का हाथ है। इनसे अगर पुलिस हिरासत में लिए जाए तो ये बताएंगे कि हमारा भाई कहाँ है। आप थाने गए तो क्या हुआ उसमें? थाने वालों ने ये कह दिया कि इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट ले गए थे, उन्होंने अपने पास रख ली, मेरी कोई कार्रवाई नहीं। तो आप एटा आए थे? हाँ, उसके बाद अभी एटा आया हूँ सर, और मैं फिर दोबारा रजिस्ट्री कर रहा हूँ SSP साहब के। काम कितना हो गया इन्हें गायब हुए? इनको गायब हुए सर 22 मई को गायब हुए।